तो जी भैया, अभी सुबह सैरी का टाइम है, मैं आया था ज़रा बाहर दही लेने। रमज़ान मुबारक। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुह। तो सबसे पहले तो आप सबको रमज़ान मुबारक, और उम्मीद करता हूँ कि ये रमज़ान आप सबके लिए खैर व आफ़ियत और बरकतें और रहमतें लेकर आएगा। आप सब लोग इस रमज़ान में खूब अल्लाह की इबादत कीजिएगा और पूरे रोज़े रखिएगा और इसको इंजॉय कीजिएगा। मैंने भी आज पहला रोज़ा रखा है और बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। सैरी वगैरह करके और नमाज़ पढ़ के मैं सो गया था, और 2-3 घंटे नींद पूरी करने के बाद मैं अभी उठा हूँ और अभी थोड़ा सा फ्रेश हुआ हूँ, बाल वगैरह कटवाए हैं और अभी बाहर आया हूँ। इस टाइम जिस तरह का मौसम है, सुबह सुबह मैं सोच रहा था कि मौसम शायद इसी तरह का होगा, तो मौसम तो जिस तरह का हमने सोचा था वैसे ही है, ना ज़्यादा धूप है, मतलब मज़े का मौसम है, तो रोज़ा रखने का भी मज़ा आएगा। और यार, मैंने आप लोगों से एक बात करनी थी, तो बात ये है कि आजकल मैं लोग रेगुलरली इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि यार नेक्स्ट मंथ मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं। अभी आज 23 है और अगली 3 तारीख को मेरे पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, तो ज़रा उसकी तैयारी वगैरह कर रहा हूँ, तो इसी वजह से रेगुलरली मैं व्लॉग नहीं बना रहा। और अभी रमज़ान शुरू हो गया तो इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा व्लॉग्स रेगुलरली करूँ। सेकंड बात यह है कि यार अभी रिसेंटली मेरे FB पेज पर पहली वीडियो वायरल हुई है, तो मैंने अपने दोस्तों को बोला था, जब उस वीडियो पर 6K व्यू थे तो मैंने अपने दोस्तों को बोला था यार 10K व्यू करवाओ, तो इंशाल्लाह तुम लोगों को मैं डिनर करवाऊँगा सोचा हुआ था, तो अल्लाह पाक ने मेरे 100K व्यू करवा दिए। अभी तो उस पर 170K प्लस व्यू हो गए हैं, लेकिन 100K की खुशी थोड़ी ज़्यादा थी। तो अभी दोस्तों को पार्टी देनी थी, तो पार्टी के लिए मैंने इन लोगों को बोला कि यार मैं तुम लोगों को बाहर से कुछ नहीं खिलाने वाला, क्योंकि अगर हम लोग बाहर से कुछ खाएंगे तो उसमें कुछ हल्ला गुल्ला नहीं होगा, कोई इंटरटेनमेंट नहीं, मतलब मज़ा नहीं आएगा। तो मैंने इन लोगों को बोला कि यार अभी रमज़ान आने वाला है तो मैं आप लोगों का इफ्तारी करवा दूंगा। इफ्तारी से क्या होगा कि हम लोग जो कुछ भी खाएंगे इफ्तारी में वो हम लोग खुद ही बनाएंगे, तो उसमें ज़रा हल्ला गुल्ला हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि इफ्तार करवाने से सवाब भी मिलेगा। तो आज पहला रोज़ा है, तो अभी मुझे इफ्तारी का बंदोबस्त करना है, इनको इफ्तारी करवानी है, इफ्तारी का इंतज़ाम वगैरह करना है, सारी चीज़ें लाएँगे, फिर हम लोग कुछ भी देखेंगे क्या बनाते हैं। तो अभी मैं जाने लगा हूँ उमर भाई के पास, तो उमर भाई को आप जानते ही होंगे, नहीं जानते? ये हैं अपने उमर भाई। अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। ये हवेली है इनकी, ये हमने डन किया है, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे, सारा इंतज़ाम यहाँ पर किया है। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बाज़ार से चीज़ें वगैरह पकड़ेंगे, बट बीफ कढ़ाई बनाएंगे, तो अभी जा रहे हैं हम लोग बीफ लेने। तो यार गोश्त हम लोगों ने ले लिया है, उमर साहब इधर भी रेसिपी देख रहे हैं कि बनाना कैसे है। सो एनीवे चलते हैं, आप दूसरी चीज़ें पकड़ते हैं जो जो चाहिए। ये तो यार सारा सामान हम लोग ले आए हैं बाज़ार से। सारा प्याज कटने? अच्छा सारी कटने, ठीक है। तो जी उमर भाई ने मुझे टास्क दिया है, अभी बाकी लोग आ रहे हैं तो अभी मैं प्याज काटता हूँ। तो उमर भैया आप क्या करोगे? मैं यार थोड़ा काम मैं करके आता हूँ, तो फिर आपसे मिलता हूँ। ओके ठीक है, जब प्याज काटता हूँ मैं फिर यार। जी तो भाई साहब प्याज मैंने काट लिया है, और कितना अच्छा काटा है, मुझे भी नहीं उम्मीद थी।
अमर भाई सही है जी, बिल्कुल ठीक है, देख लो फिर ना। जी हाँ जी ठीक है। फिर ना कहना कि यार आपने प्याज सही नहीं काटा, मेरे से सही नहीं बनी। चलो आज ना आगे करते हैं। चलो अब यार नीचे चलते हैं। यार ये दोनों बंदे मिल रहे हैं तकरीबन 5-6 साल बाद मिल रहे हैं। ये देख लो इफ्तारी में बुलाया तो सारे जो है ना इकट्ठे हो गए हैं, हमने सबको बिछड़े दोस्तों को मिला दिया, तो बहुत अच्छी बात है यार जी। तो भाई साहब अभी नमाज का टाइम हो गया, आधे लड़के आ गए हैं और एक दो ने आना है, और अभी जा रहे हैं हम लोग नमाज पढ़ने। सारा साल गुनाह करने के बाद रमजान के महीने में सितार के साथ दगा करते हैं। अल्लाह माफ करे। तो यार नमाज हम लोगों ने पढ़ ली है और अफ्तारी में तकरीबन 1 घंटा रह गया। ये वलीद भाई हैं हमारे, वलीद भाई कह रहे मैंने व्लॉग में आना। ये वलीद भाई हैं जट साहब हमारे। वलीद भाई ये रोजा तो नहीं लग रहा आपको? नहीं भैया मैं तो पता ही नहीं लग रहा कि रोजा रखो है। ये दोस्त वगैरह इकट्ठे हैं ना तो पता नहीं चल रहा अभी, लेकिन अगर हम लोग बैठे होते ना वेले बिल्कुल। हमने फिर भी पबजी खेल के गुजारा कर। वलीद भाई को आजकल जो है ना पबजी का नशा चढ़ गया, मैंने तो छोड़ दी थी पर अभी भी वलीद भाई खेल रहे हैं पता नहीं क्या। आपने हमें पबजी पे लगाया था, बात होगी ना डोला सानू क्या मुझे उमर ने लगाया था और उमर छोड़ गया तो मैं खेलता रहा। 47 क्लीपा भाई, 47 क्लीपा भाई अभी खेलते ही नहीं है। भाई हमने ताला इसलिए लगाया था भाई साहब, ये सारे मोबाइल इधर पड़े हुए थे, ये देखो ये वलीद भाई का है। ये वलीद भाई भैया 165 का न्यू, देखा लाइटें भी ऑन। और ये हैदर भाई का, हैदर भाई एक्सेस मैक्स, हैदर भाई एक लाख। और ये 11 iPhone 11 राफे भाई, राफे भाई कितने का? 15 का भाई। नहीं है 75 का। और ये समसिंग नोट 10 ये उमर भाई का, उमर भाई कितने का? ये 134 का। 134 ओनली वन गरीब बंदा हमारे यही है बस। ये कौन सा वीवो V20 भाई? ये मैं छोटे मोटे मोबाइल चाहते इनको वाली मार। ये भाई कितने का? किसी हैबलेट 2 लाख मैंने पकड़ा भाई इस टाइम। बाप का पैसा भी ऐसी। और ये बस ये अल्लाह पाक अहमद भाई को भी दे मोबाइल दे। सो गाइस अभी मामला शुरू है, एवरीथिंग इज रेडी, शेख साहब अपना काम शुरू कर बैठे हैं। और ये भाइयों की कही रहा है सामान सारा रेडी है, ऑयल वगैरह इस महंगाई के दौर में भी उमर भाई खुद ऑयल लेके आए, घी लेके आए जी, किरण बनास्पति बिल्कुल। और माशाल्लाह भी माल हो रहा है रेडी। ये शेख साहब ने तरक्की की है, चेक करें बाबा जी, चूल्हा कभी देखा इस तरह का इलेक्ट्रिक चूल्हा? यार शेख साहब अमीर हो गए हैं। शेख साहब यूट्यूबर मतलब नाम का ये वीडियो नहीं आता भाई, ये मेरी वीडियो बनाई। ये लो भाई, ये शेफ वली साहब जो है ना जरा चेक करें यार भाई साहब लगाओ इसका। तो यार अभी ये इसको दम पे रखा हुआ है, अभी थोड़ी देर में तैयार होगा और 2-3 मिनट रह गए हैं इफ्तारी में, तो जल्दी जल्दी चलते हैं तो इफ्तारी करते हैं।
तो यार रोज़ा हमने खोल लिया और नमाज वगैरह पढ़ के फिर हम लोग खाएंगे खाना। उमर भाई कितना टाइम लगेगा भाई? 10-15 मिनट। 10-15 मिनट जी। रोज़ा वगैरह हमने खोल लिया, नमाज वगैरह पढ़ लिया और अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा गुजरा रोज़ा, इतना महसूस नहीं हुआ क्योंकि मौसम ज़रा नॉर्मल ही था तो इस वजह से। कैसा लगा यार खाना? उमर भाई ने कैसा बनाया बताओ यार सारे। बहुत मजे का था यार। हैदराबाद में शरबतर मजा ही आ गया। शुक्रिया यार आपका, बहुत हमारी एक्सपेक्टेशन से अच्छा खाना बनाया, तो उम्मीद नहीं थी कि ऐसा बनाएंगे लेकिन पर लगता है प्रोफेशनल शेफ है। नहीं उमर भाई ये जरा ये पकड़ना, जरा अपना ऑटोग्राफ हमें देना यार। ऑटोग्राफ देना जी, क्यों नहीं, आपका नाम आप अपना ऑटोग्राफ दो ना। ये क्या किया है? अच्छा बाबाजी। तो यार अभी जा रहे हैं हम लोग भी घर, वापस जा रहे हैं। तो ठीक है यार हैदर भाई, बहुत मजा आया सारी का। और मुबारक हो 100K की। 100K नहीं भाई, 200K। ठीक है भाई साहब, ओके भाई। ठीक है मिलन भाई, ठीक है यार भाई। थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया ब्रो। ये स्क्रिप्टेड था ये। तो यार घर मैं वापस आ गया था और इशा की नमाज़ वगैरह पढ़ के फारिग हुआ हूँ, तो यहाँ पर मैं व्लॉग को एंड करने लगा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको व्लॉग पसंद आएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।